हेलो लर्नर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिसंबर 2019 का ऑलरेडी एक सीरीज रन कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमने लास्ट टर्न पे स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, जो दिसंबर 2019 में एनटीए में क्वेश्चन आया था, हमने उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया था। और मैंने यहाँ पे आपको ये कोशिश की थी कि स्क्रम क्या है और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है, उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ उसके एक्सप्लेनेशन दिए थे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जो हमारा एजाइल मेथोडोलॉजी है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके मॉडल्स होते हैं। और इस टाइम हमारा क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी बेस पे ही पूछा था। तो ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है आप उसको जाके जरूर से देखें। आज के सेशन में हम फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट और जो कानबान डेवलपमेंट है, इस दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बट आज एफडीडी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें हमने ये देखा था जो हमारा स्क्रम था और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में डिफरेंसेस क्या है। तो आप बेसिक सा डिफरेंस समझो, एजाइल फ्रेमवर्क मीन्स व्हाट, एजिलिटी का अगर आप जनरल मीनिंग समझेंगे, ऐसा जो ऑन गोइंग है, जो कंटिन्यूअस है, ऐसा चीज जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे समझिए, कैसा है कि एक टास्क को अगर आप करते हैं तो आप इमीडिएटली कस्टमर से आपने रिक्वायरमेंट ली, उसका एक प्रोटोटाइप बनाया और एट द एंड ऑफ द डे आपने एक उसका ब्लूप्रिंट बना के और दिखा दिया और उस टास्क को वहीं पे कंप्लीट किया। तो स्क्रम आपका उसी टेक्निक पे बेस्ड होता है, जिसमें जो आपके इटरेशंस होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम स्प्रिंट बोलेंगे। ठीक है, जिसका फिक्स्ड लेंथ पीरियड ऑफ टाइम होगा, जिसको हम टाइम बॉक्स प्लानिंग, मतलब कि आपको एक डेडलाइन असाइन है और उस डेडलाइन के विद इन आपका वो टास्क परफॉर्म होना चाहिए। ऐसे भी हमें मालूम है कि जैसे जैसे आपका वाटरफॉल मॉडल था, देन प्रोटोटाइप आया, देन रैड मॉडल आया, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो किसी भी प्रॉब्लम की होती है वो इंक्रीज होती चली गई है। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो आपके जो ट्रेडिशनल मॉडल्स है आप उससे कोई भी टास्क को इजिली परफॉर्म नहीं कर सकते थे, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हमने स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग देखा। तो जो आप वही टास्क परफॉर्म कर रहे हो, स्क्रम में उसको हम स्प्रिंट बोलेंगे और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में उसको इटरेशन ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि स्क्रम में जो आप लेआउट जो आप रिलीज करोगे, ठीक है, वो आपका टू वीक से लेकर एक मंथ के अंदर उसका ड्यूरेशन होता है, पर आप एक्सट्रीम में स्मॉल रिलीज करेंगे। देन स्क्रम में जो आपका बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रोडक्ट का ओनर होगा और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आपके कस्टमर ही होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है कि स्क्रम में आपका डेवलपमेंट टीम इन्वॉल्व होगा, बट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में सिर्फ टीम इन्वॉल्व होगा। टीम मीन्स वॉट, कि आपके सिस्टम एनालिस्ट होंगे, आपके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो सब होंगे, बट इसमें प्रोग्रामर्स नहीं इन्वॉल्व होगा। तो ये बहुत ही, ये चार इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, व्हाट इज फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। तो एज द नेम सजेस्ट, इट इज एन एजाइल फ्रेमवर्क, दैट इज इट्स ऑर्गेनाइजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अराउंड मेकिंग प्रोग्रेस ऑन फीचर्स। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को जो आप परफॉर्म करते हो तो एज अ होल ही परफॉर्म करते, हर एक टास्क को आप मॉड्यूल में डिवाइड करते हो और हर एक मॉड्यूल के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो उसी को उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप फीचर को कंसिडर करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लाइंट हूँ, मैंने अगर आप प्रोग्रामर हो, मैंने अगर आपको एक टास्क असाइन किया और एक एप्लीकेशन ने बोला कि मुझे लॉगिन का मॉड्यूल चाहिए, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए, लॉगिन का मॉड्यूल मीन्स व्हाट, कि एक बॉक्स बनकर आएगा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड लेबल्स होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उसके सामने उसका टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक या दो बटन होंगे। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको फीचर बता दिया तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन दैट प्रोसेस। उसके बाद फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट में आपका होता है क्लाइंट सेंट्रिक, आर्किटेक्चर सेंट्रिक एंड प्रैग्मेटिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो इसमें ये तीनों आर्किटेक्चर को हम कंसिडर करके चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं एक्शन, रिजल्ट और ऑब्जेक्ट और एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, जैसा हम XML या HTML में करते हैं, सिमिलर यहाँ पे फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट में हम वैसा रूल फॉलो करते हैं। बस आप इतना समझो, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा।
और एट लास्ट मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में इसका आपको डिफरेंस बता दिया कि वाटरफॉल मॉडल तो हमें मालूम है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आते हैं, फीडबैक नहीं होता और आप बैक नहीं जा सकते, ठीक है। उसके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आया, देन आपका एजाइल स्क्रम आया, देन आपका फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट आया। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ये स्लाइड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप ये समझो कि जो आपका फीचर डेवलपमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रम है। तो पहले मैं स्क्रम को देखती हूँ। स्क्रम में हमने क्या पढ़ा कि इसमें एंड यूजर नहीं इन्वॉल्व होते, ठीक है, इसमें कस्टमर भी नहीं इन्वॉल्व होता और एंड यूजर भी नहीं होता। इसमें कौन होता है, आपके बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट का ओनर। फीचर ड्रिवन क्या होगा कि यूजर इन्वॉल्व होगा, बट वो इन्वॉल्व कब होगा, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है FDD और स्क्रम में, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें जो इटरेशंस होते हैं वो 1 or 2 weeks में आके कंप्लीट हो जाएंगे, बट जो आपका स्क्रम है, ठीक है, स्क्रम का जो ड्यूरेशन है सेम इटरेशन का, वो आप देखो 2 weeks से लेके 1 month लॉन्ग है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया आपका स्क्रम और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो स्क्रम है, टीम्स डू नॉट अलाउ चेंजेस इन टू देयर स्प्रिंट्स। लास्ट हम एक यहाँ पे और एजाइल मेथडोलॉजी पढ़ लेते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कानबान, ठीक है। ये भी एक मेथड है एजाइल फ्रेमवर्क पे जो बेस्ड है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद एन एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस डिलीवरी व्हाइल नॉट ओवरबर्डनिंग द डेवलपमेंट टीम। मतलब आप ये समझो, स्क्रम बनाया, एक दिन में हमने डिलीवर किया, स्टीम प्रोग्रामिंग किया, हमने 2 से 3 month में उसको बना के दे दिया। तो कानबान एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, मॉडल्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे डेवलपर टीम्स है, डेवलपमेंट टीम्स है, उनके ऊपर वो बर्डन नहीं होता। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि इससे क्या हो जाएगा कि कानबान इज अ प्रोसेस डिजाइन टू हेल्प टीम वर्क टूगेदर मोर इफेक्टिवली। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका टीम इन्वॉल्व होगा तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, उनका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा काम का। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट समझ लेते हैं कि कानबान और स्क्रम में क्या डिफरेंस है। तो कानबान इज अ विजुअल सिस्टम फॉर मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क। कानबान मेथड फॉस्टर्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आर लाइकली टू इंक्रीज। वेयर इज स्क्रम क्या है, तो इट इज एन एजाइल प्रोसेस दैट अलाउज अस टू फोकस ऑन डिलीवरिंग द बिजनेस वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स याद करना है, मैं आपको बताती हूँ कीवर्ड्स आप कैसे यहाँ पे याद रखोगे। स्क्रम, स्क्रम का मतलब इसमें एस से स्प्रिंट आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी एंड यूजर इन्वॉल्व नहीं होता है। और स्क्रम क्या होगा, इसका ड्यूरेशन आप देखो 2 weeks से लेकर 1 month लॉन्ग होता है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसमें ये कीवर्ड्स लिखते जाइए। देन अगर आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो इसमें आपके क्या होते हैं, इटरेशंस होते हैं और ये 2 weeks से लेकर 2 weeks लॉन्ग होता है, ठीक है, वो कम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आपका फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट है, इसमें आप क्या करते हो, फीचर्स पे एम्फेसिस देते हो और इसमें एंड यूजर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आपने एक नया पढ़ा कानबान, जो किस पे है, वो एक विजुअल सिस्टम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि एजाइल फ्रेमवर्क में कौन ऐसा मेथड है जिसमें आप विजुअली रिप्रेजेंट करते हो, तो आप क्या बोलोगे, कानबान। और इसको विजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, इस चारों को देगा, और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होगा और वो आपको विजुअल एक वे प्रोवाइड करता है, तो आप क्या लिखोगे, कानबान। पर वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि ये जो स्क्रम है कौन सा ऐसा मेथड है जो शॉर्टेस्ट टाइम में आपको वैल्यूज देगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्क्रम। तो हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैं नेक्स्ट टाइम पे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगी। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।